नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। उनके द्वारा ही जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य राजेश्वर से ही मुलाकात की गई है और उनका आशीर्वाद लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने JEE और पटवारी पेपर लीक घोटाले को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो लोग छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का कार्य करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं छात्र छात्राओं से अपील की गई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी के भड़कावे में वो ना आए। और हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि हमारे द्वारा अध्यादेश लागू किया गया है और छात्रों की सारी बातें मान ली गई है। और अभी हुई परीक्षा में ही तकरीबन 1,03,000 छात्रों भाग लिया और आगे आने वाली परीक्षा में आयोग द्वारा इसको लेकर भी जारी किया गया है। देखिए, छात्र आंदोलन हमने नकल अध्यादेश लागू कर दिया है और जो छात्र चाहते थे सारी चीजें कर दी हैं। लगभग सारी चीजें, चूंकि अभी 1,03,000 छात्रों ने भाग लिया है और मैं समझता हूँ कि आगे जो कैलेंडर हमने जो जारी किया हुआ, आयोग ने जारी किया है, सारे उस कैलेंडर के अनुरूप एग्जाम होंगे। अफवाहों पर और तमाम लोगों की जो मनगढ़ंत बातें हैं उस पर किसी को नहीं आना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि इसको ऐसा कर दिया जाए, इतना उलझा दिया जाए कि अगले आने वाले 5 सालों तक कोई परीक्षा आयोजित न हो पाए। हम ऐसे लोगों के मंसूबे सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे बेटे बेटियों का, हमारे भाई बहनों का, यहाँ के कर्णधार नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए सारी परीक्षाएं होंगी, तय समय पर होंगी और नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी और पारदर्शिता के आधार पर होंगी, नकल विहीन होंगी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। देहरादून में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेशवासियों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के निर्देशन विक्रम सिंह के मुताबिक आने वाले 2-4 दिनों तक प्रदेश में ही बारिश का कोई अंदेशा नहीं है, यानी कि प्रदेश में बढ़ रही गर्मी के चलते तापमान में और वृद्धि होने की और भी संकेतिक मौसम विभाग ने इसके लिए संदेश भी दे दिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी की अगर बात की जाए तो निर्देशक विक्रम सिंह के मुताबिक 18 तारीख के बाद प्रदेश के ही ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में मैदानी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। और अभी वीक भर देखें तो कोई बारिश वाली एक्टिविटी तो है नहीं। हाँ, इस समय जो तापमान है, करीब जो अधिकतम तापमान अगर बात करें तो एकदम सामान्य के आसपास है। न्यूनतम तापमान थोड़े सामान्य से कम है, 2 डिग्री तक, 1 डिग्री तक, या कहीं पे 3 डिग्री भी है। तो 2 से 3 दिन जो है जो तापमान है सामान्य से, ये जो है मतलब जो पास्ट 24 आवर्स का है, 2 to 3 डिग्री कम है। बाकी अधिकतम तापमान जैसे मैंने बोला सामान्य पे। अब आज से देखेंगे तो आज से थोड़े जो तापमान हैं, मैं कहूँगा कि जो न्यूनतम तापमान है थोड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कल से आप देखेंगे कि ये सामान्य है, उससे भी 1-8 डिग्री ऊपर तक आने। पौड़ी ब्लॉक के ही अंतर्गत निशड़ी गांव में जल जीवन मिशन के तहत खुली बीछी पेयजल लाइन अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आ रही है। सोमवार को ही गांव का एक ग्रामीण मनवर सिंह पेयजल लाइन में ही उलझकर गिर गया है और घायल हो गया, जिसके चलते घायल को ही पौड़ी जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीण रोबिन सिंह ने बताया है कि इससे पहले भी कई लोग गाँव में ही खुली बीछी हुई जल जीवन मिशन की पाइप लाइनों में ही उलझने से चोटिल हो चुके हैं और उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत ही बिछी पाइपलाइनों को भूमिगत करने की भी मांग प्रशासन से की है। और इस संबंध में जल संस्थान के सहायक अभियंता जगदीश कंडेरी ने बताया है कि जल जीवन मिशन के तहत कार्य अभी भी चल रहा है और इस बात का संज्ञान उन्हें है और जांच कर कार्रवाई भी की जाएगी।
अब खबर चमोली जिले के पिंडर घाटी से है। यहाँ पर आपको बता दें कि सप्ताहांत पिंडर घाटी के देवाल ब्लॉक में ही बाढ़ गांव की बुजुर्ग महिला धामती देवी चारा पत्ती लेने जंगल में गई थी और इसी दौरान करीब 2 से 3 महीने का एक मृग के शावक को ही घायल अवस्था में पाया गया था, जिसके बाद वो उसको अपने घर ले आई थी और इस बात की सूचना उन्होंने अपने गाँव के ही सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली को दी और तब वो मृग के बच्चे को ही पशु चिकित्सालय उपचार के लिए ले गए, जहां उसका उपचार जो है वो किया गया था और धामती देवी ने कुछ दिन इसे अपने घर पर पाला और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित भी किया था, जिसका बद्रीनाथ वन विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी सर्वेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मृग के बच्चे को ही देहरादून के डियर पार्क में भिजवाने की व्यवस्था की, जिसको वन कर्मियों की सुरक्षा में ही वन मंत्री सुबोध उनियाल के ही समक्ष देहरादून के डियर पार्क में सौंप दिया गया है। हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों की आज भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों की संख्या में कांवड़िए जल भरकर ही हरिद्वार पहुंचकर हर की पौड़ी से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर दिखते जा रहे हैं और इसको लेकर 18 फरवरी को पड़ने वाले महाशिवरात्रि पर्व के चलते ही कांवड़ का आना चरम पर है। अगले 2-3 दिन में लाखों की संख्या में ही कांवड़ की भीड़ लगने की संभावना भी जताई गई और इसके साथ ही आपको बताते चले कि पूर्व में कोरोना काल के चलते ही कांवड़ का हुजूम कम रहा है, लेकिन इस बार कांवड़िए ज़्यादा से ज़्यादा आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कांवड़ यात्रा के चलते पुलिस प्रशासन ने भी यातायात व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है और हरिद्वार के सभी क्षेत्रों में पुलिस के अधिकारी खुद ही भीड़ को नियंत्रित कर व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। फिर भी कहीं भीड़ के चलते जाम के कारण यातायात प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए चलाई जा रही योजना बिल लाओ इनाम पाओ के तहत ही आज कोटद्वार के ही सेल्स टैक्स ऑफिस में पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में व्यापारियों द्वारा ही विजेताओं को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और एयरबड्स वितरित किए गए। आपको बताते चले कि पुरस्कार पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं और वहीं इस मौके पर ही विजेताओं ने सरकार की GST बिल जागरूकता को लेकर की जा रही योजना के प्रशंसा की है और इस दौरान व्यापारियों ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि बिल की लिमिट 200 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी जाए ताकि इसका मिसयूज ना हो सके और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि उपभोक्ताओं के भीतर इस योजना को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और विजेताओं को पुरस्कार देने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होगी। कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं और जिसे देखते हुए ही हरिद्वार जिला अधिकारी ने निरीक्षण कर अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित कांवड़ यात्रा अपने शबाब पर है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। भारी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुँच रहे हैं और इसको देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त दिखाई दे रहे हैं और हरिद्वार जिलाधिकारी
विनय शंकर पांडे ने आज कांवड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया है और जिलाधिकारी द्वारा ही अधिकारियों को कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि कांवड़ियों की काफी संख्या में ही भीड़ हरिद्वार में आ रही है और इसको लेकर मजिस्ट्रेट और सभी अधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। और इस कांवड़ यात्रा में सावन की कांवड़ के मुकाबले युवक कम आते हैं और जिस कारण से इस कांवड़ यात्रा में जिला प्रशासन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। माघ मास में जो कांवड़ होती है इसका क्वांटम उस लेवल का नहीं होता जो जुलाई में हमारे श्रावण मास की कांवड़ होती है। इसमें पर्टिकुलर हरिद्वार की तरफ जो रोड आती है नजीबाबाद और बिजनौर, और आपने देखा होगा कि उस तरफ से ही कांवड़ियों का ज़्यादा आना होता है। तो इस पर हम लोगों ने पहले भी दो बैठकें की थी और शाम जहाँ से हमारा बॉर्डर शुरू होता है वहाँ से पथ प्रकाश की जो व्यवस्था होनी थी वो हम लोगों ने टाइमली करा दी थी। कुछ जो हमारे टॉयलेट्स होते हैं उनको भी लगवाया गया था, ड्रिंकिंग वाटर। और आज जब निरीक्षण में मैंने देखा तो कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत गंदगी मुझे दिखी, तो उसके लिए मैंने नगर आयुक्त जी हमारे साथ थे उनको बता दिया कि कम से कम दो टाइम इसकी सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड के चार धाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की जेब इस बार ज्यादा खाली होगी। दरअसल चार धाम यात्रा संचालित करने वाली 9 कंपनियों की संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के ही बैठक कर 5% किराए में बढ़ोतरी कर दी है और समिति का तर्क है कि हर साल डीजल के ही साथ इसको लेकर टायरों की कीमत में वृद्धि हो रही है और यहाँ तक कि इसको लेकर खर्च भी हर साल बढ़ रहा है और ऐसे में ही पुरानी दरों पर चार धाम यात्रा संचालित करनी परिवहन व्यवस्थाओं के लिए भी संभव नहीं है और फिलहाल बैठक कर आम सहमति से ही 5% किराए में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। और समिति के ही अध्यक्ष संजय शास्त्री ने बताया है कि चार धाम यात्रा के लिए जो भी बुकिंग की जाएगी वो 5% बढ़ी हुई ही दर के साथ की जाएगी। इसमें लगभग सभी कंपनियां शामिल हैं, 7 कंपनियां तो हैं और किराया जो बढ़ाने के बाद जहां तक है, पहले हम किराया पिछली बार भी जो लिया था वो हम नॉर्म से कम ले रहे थे, तो उसको उसमें मामूली से 5-6 हज़ार रुपये का अंतर पर बस आएगा। चार धाम में 5,000 से ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं पूरी बस का। महाशिवरात्रि पर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित संपन्न कराने के लिए ही मुनि की रेती थाना पुलिस ने आज सघन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 70 वाहनों के चालान पुलिस ने काटे हैं। संदिग्ध 5 वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है और आज सुबह मुनि की रेती थाना पुलिस ने ही महाशिवरात्रि पर्व को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया और जिससे संदिग्ध लोगों और ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों में ही खलबली मची हुई है। सबसे पहले पुलिस ने शिवानंद गेट पर चेकिंग की है और जिसके बाद चेकिंग अभियान ब्रह्मानंद मोड़ के पास चलाया गया है। तपोवन तिराहे और मुनि की रेती थाने के बाहर भी 2 टीम लगातार चेकिंग अभियान चलाती रही है। खुद इंस्पेक्टर रितेश शाह अलग अलग स्थानों का निरीक्षण कर चेकिंग अभियान की स्थिति को देखते हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलने से ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों में खलबली मची हुई है। पकड़े जाने पर ही चालक बिना चालान काटे अपने वाहन को छोड़ने के लिए हाथ पैर जोड़ते हुए भी दिखाई दिए हैं। मगर पुलिस ने किसी भी प्रकार की रियायत जो है वो नहीं बरती है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने चालान काट कार्रवाई की सख्त आदेश दे दिए हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस किसी भी प्रकार की छूट नहीं देगी और त्योहारों के मद्देनजर ही संदिग्ध रूप से घूम रहे 5 वाहनों को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज किया है, जबकि 70 वाहनों के चालान पुलिस ने काटे हैं। और इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया है कि पुलिस का ये अभियान महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए लगातार चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से ही ट्रैफिक नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस का सहयोगी बनने के लिए भी अपील की हुई है।
गन्ना भुगतान किए जाने और गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर ही मंगलोर कस्बे में किसानों ने प्रदर्शन किया है और वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार को लेकर भी किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है और कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों का बकाया गन्ना भुगतान अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है। पिराई सत्र समापन होने की कगार पर है लेकिन अभी तक धामी सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है और किसान लगातार गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं। किसानों को अभी तक बकाया गन्ना भुगतान भी नहीं मिल पा रहा है और ऐसी स्थिति में किसानों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और डीजल पेट्रोल से लेकर घरेलू सामान तक महंगाई आसमान छू रही है और ऐसे हालात में ही किसानों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। समझता हूँ, पहली बार मुझको, हम गन्ना किसान हैं और ये गन्ना प्रधान इलाका है और पहली बार ऐसा देखा है कि गन्ना किसान, गन्ने का सत्र, पेराई सत्र पूरा होने को है और सरकार ने अभी तक गन्ने की कीमत तय नहीं की। ऐसा कभी नहीं हुआ और लगातार गन्ने की बुआई की और उसकी कटाई की कीमत में महंगाई बढ़ने के कारण बढ़ रही है। 5 साल पहले गन्ने का भाव इन्होंने नहीं बढ़ाया और अब फिर उसी माहौल में लाकर खड़ा कर दिया। अब खबर हरिद्वार से है जहां बीती देर रात ही कोतवाली रानीपुर के सुमन नगर चौकी क्षेत्र शिव गंगा बिहार कॉलोनी में ही बंद पड़े मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमन नगर चौकी क्षेत्र की शिव गंगा विहार कॉलोनी में ही दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट के मकान में ही उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है जिसका पता सुबह दिन निकलने पर ही आस पड़ोस के लोगों को चला, जिसके बाद मकान मालिक के रिलेटिव ने ही घटना स्थल पर बुलाया गया और साथ ही पुलिस को भी उक्त मामले की सूचना दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में ही एडवोकेट के भाई के द्वारा ही जानकारी देते हुए बताया गया है कि उक्त घर में ही पहले भी 2 बार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर ही घर के दरवाजे भी मजबूत लगवाए गए, स्पेशल लॉक दरवाजे पर लगवाए गए थे और अलमारी के लॉकर में भी सायरन आदि की व्यवस्था जो थी वो की गई थी और इतनी काम करने के बाद भी आज एक बार फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।